नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अपराध मिलाता हूँ। क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो तमाम की तमाम बड़ी खबरें आ रही है और जिस तरीके से कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को अब मायावती का खुला समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि मायावती ने गठबंधन को लेकर या फिर आप कहें किसी दल के साथ जाने को लेकर उत्तर प्रदेश में उस तरीके से अपने ऐलान को तो नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि जो और जिस विचारधारा की राजनीति को लेकर मायावती आगे बढ़ रही है या फिर चंद्रशेखर जिस दलित वर्ग में अपना कहीं ना कहीं स्थान ढूंढ रहे, तलाश रहे हैं और अपना एक वोट बैंक स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में मायावती की भी एक मजबूरी है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ उस तरीके से खुलकर बयानबाजी करने से परहेज करे ताकि उनके वोट बैंक खराब ना हो जाए, उनके वोट बैंक में कोई बड़े सेंधमारी ना हो जाए और इसको लेकर के स्थिति अब जो है आने में शुरू हो गई। क्योंकि नगीना लोकसभा सीट से जो चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी देखने को मिल रही है, उस दावेदारी पर अब तक मायावती ने जो है प्रत्याशी को लेकर के कोई खुला ऐलान नहीं किया। और दरअसल इस ऐलान को नहीं करने के पीछे का एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि मायावती अपने प्रत्याशी को वहां से उतारने भी नहीं जा रही है। और नहीं उतारने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है भले ही आप कह सकते हैं कि जो है कागजी तौर पर या आधिकारिक रूप से ये गठबंधन नहीं हुआ हो मायावती चंद्रशेखर का, लेकिन उसके बावजूद भी ये गठबंधन हो चुका है और गठबंधन करना मायावती की मजबूरी है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ अगर उन्होंने कोई बयानबाजी खुल करके की तो इसका नतीजा उनको वोट के नुकसान के तौर पर सीधे तौर पर उठाना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या वाकई आधिकारिक रूप से भी कोई बयान आएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहे नेक्स्ट न्यूज।